देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे ने रायपुर जिले की कार्यकारिणी के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दिलीप साहू, उपाध्यक्ष शुभम वर्मा, महासचिव नदीम मेमन, कोषाध्यक्ष अमित बाग सहित सभी पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश समन्वयक पवन सिंह ठाकुर, सदस्यता प्रभारी विक्की पंजवानी, प्रदेश प्रतिनिधि जावेद जैदी, खुशबू ठाकरे को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ओडिशा से लाई गई पटचित्र पेंटिंग भेंट की। बीएसपीएस के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे ने मुख्यमंत्री को बताया कि रघुराजपुर ओडिशा के पूरे जिला का विरासत हस्तशिल्प गाँव है। 160 कलाकार का ये गांव पूरी तरह से सुंदर पटचित्र की कलाकारी और ताल पत्रों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी के लिए उन्हें कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ये कलाकृति 2016 में राष्ट्रीय गोल्ड मेडल पुरस्कार प्राप्त चित्रकार गोपाल दास द्वारा बनाई गई है। कलाकृति में इस्तेमाल कागज और रंग सभी प्राकृतिक है। पटचित्र जिस मोटे कागज पर बना है वो इमली के बीज के साथ कुछ पेड़ों की छाल को मिलाकर बनाया गया है। वह पेंटिंग में इस्तेमाल सफेद रंग की सीपी को पिस कर तैयार किया गया है। काला रंग काजल का है तो अन्य रंग विविध प्रकार के फूलों और पेड़ों की पत्तियों से तैयार किया गया है। इस नायाब कलाकृति में संपूर्ण रामायण को चित्रकारी के जरिए उभारा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुखनंदन बंजारे और कोषाध्यक्ष गंगेश कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रादेशिक सम्मेलन में आमंत्रित किया।